सूबे में किफायती दर से ग्रीन ऊर्जा की उपलब्धता यकीनी बनाने के उद्देश नाल पंजाब सरकार वालों होशियारपुर जिले में 140 करोड़ रुपए की लागत नाल कंप्रैस्ड बायोगैस प्रोजैक्ट स्थापित किया जाएगा। इस प्रोजैक्ट बारे जानकारी साझी करदे पंजाब के नवी ते नवियोण योग ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने दस्सिया कि पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी वालों होशियारपुर जिले के पिंड ब्रोटी विखे प्रतिदिन 20 टन तो वध CBG समर्था वाला प्रोजैक्ट अलॉट किया है। इस प्रोजैक्ट के दसंबर 2023 तक चालू होने की संभावना है। कैबिनेट मंत्री ने अगे दस्सिया कि इस CBG प्लांट लई तकरीबन 40 एकड़ जमीन रखी गई है और यह प्लांट सालाना लगभग 49,350 मीट्रिक टन खेती रहिंद खूंहद उद्योगिक म्यूनसीपल वेस्ट और प्रेस मड की खपत करन तो इलावा प्रतिदिन 91 टन जैविक खाद भी पैदा करेगा। इस प्रोजैक्ट नाल सीधे या असिधे तौर पर लगभग 200 व्यक्तियों को रुजगार भी मिलेगा। अमन अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली पंजाब सरकार का उद्देश किसानों लिए मालिए का वाधू स्रोत पैदा करन दे नाल नाल सस्ती ग्रीन ऊर्जा की उपलब्धता खेती रहिंद खूंहद पशुओं के गोहे और म्यूनसीपल ठोस रहिंद खूंहद की बेहतर वरतों यकीनी बनाना है। यह पहलकदमी जिथे रुजगार के मौके पैदा करेगी उत्थे ही इस नाल सूबे के आर्थिक विकास में भी हुलारा मिलेगा।